हमारी आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए मैक्रो फंक्शंस, और वीवीए मैक्रो फंक्शंस में हम बात कर रहे हैं एक प्रॉब्लम की। वो है कि हमारे पास एक नंबर्स हैं, इन नंबर्स को यहाँ आपस में सम करना है। ये देखिए, जैसे इस तरह सम, इस तरह सम करना है। इसके लिए एरे फॉर्मूला हम लोग बनाते थे, लेकिन एरे नहीं, हम इसमें अपना एक्सेल यूज करेंगे और एक्सेल के जरिए हम इसको बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन, और फंक्शन में इनपुट हमारा नंबर है, तो यहां पे हम देते हैं सम एन के नाम से। और इसमें एन एज ए लॉन्ग, और यहां पे हम देते हैं, लगाते हैं लूप की फोर I इक्वल टू चले 1 2 लेन, लेंथ कितना है उस लेन को लेते हैं लेन, और उसके अंदर में n कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट I, और यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला ऊपर एक रिजल्ट के लिए dim r एज ए लॉन्ग, और यहां देते हैं R इक्वल टू R प्लस I, और लास्ट में एस यू सम सम एन इक्वल टू R। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए इक्वल सम सम एन है ना, सम एन, इसको सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, एक सिंपल सी गलत हुई, आई नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला मिड का, मिड मिड में हमारा हो जाएगा एन, एन में हो जाएगा यहाँ आई और वन, एक एक लेटर अलग करके सम करना है ना, ये तो सिर्फ एक से लेकर 10 तक को सम कर दिया। 19, एक बार मैं कर लेता हूँ 1 प्लस 4, एक मिनट, यहाँ पे मैं 5 2 फाइव टू क्यों नहीं सेव्स किया, दो डिजिट को सम नहीं किया इसने, चार डिजिट को सम कर रहा है, 17 सही तो है, सम तो सही कर रहा है ना, 5 2 7 6 4 10 17 सही तो है, लेकिन फिर दो अक्षरों क्यों नहीं कर रहा है। और सर पिछले वाला भी 19 दिखा रहा था, वो भी प्रॉपर सम नहीं आया था, यहाँ तो प्रॉपर सम दिखा रहा है ना। हाँ ये वाले का दिखा रहा है। हाँ तो सबका सेम दिखाएगा, ये देखिए मैं ये कर दिया, 5 11 11 4 15 15 नहीं सही, गलत है, गलत दिखा रहा है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट गलत दिखा रहा है। हम जाइए, हमने सम में इन एज लॉन्ग लिया और हमने बोला आर इक ओ ओ ओ मिड जो है, एक मिनट बैक, फोर आई इक्वल टू 1 2 लेन कितना बार चले, जितना उसका लेंथ हो उतना बार चले, आर इक्वल टू आर प्लस उसको पहले उसमें से एन आई एन वन, एक लीटर आई के हिसाब से 1 बाई 1 अलग करे और आर पे स्टोर करते चले जाए। सही तो किया है,
ये सिर्फ चार लेटर को ही सम कर पा रहा है, चार से ज्यादा को नहीं करता है, चार से कम को नहीं करता है। सर लॉन्ग से ऊपर करके देखो, जो यहाँ पे ये लॉन्ग हटा के मैं स्ट्रिंग, कुछ और करके देखो। हाँ अब सही है सर। सही ना सर? हाँ सर, अभी अगर आप ये नंबर लिखो 1495 2 3 9 1495 2 3 9 हाँ सर। यार ना। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये था कि ये यहाँ पे हमने लॉन्ग कर रखा था, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें लेना था, तभी वो अलग अलग कर पाता ना, इसलिए अगर सर दिक्कत। लॉन्ग से भी ऊपर कोई दे सकते हैं, जैसे और भी डबल कर सकते हैं। डबल हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत था इसलिए नहीं ले रहा था। ठीक है तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हर जो भी हम नाम लिखेंगे उसके आगे और उसको मतलब कि सेपरेट कर दे डैश से। तो चलिए ए बी हम करते हैं इसमें।